ये जो ब्रेक द चेन का फैसला लिया गया है, ये अशोक वानखेड़े आपसे मैं सवाल कर रहा हूं, ये फैसला ठीक है? कौन सा फैसला? महाराष्ट्र सरकार का फैसला ब्रेक द चेन। कौन सा फैसले की बात? महाराष्ट्र सरकार का लॉकडाउन एक मजाक है। महाराष्ट्र सरकार में लॉकडाउन में गोलगप्पे वाले भी खड़े रहेंगे और वड़ा पाव बेचने वाले भी खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि बस उसके दुकान के सामने खड़े होकर आप नहीं खा सकते। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का भाषण सुनने के बाद तो मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि वो कहना क्या चाहते थे। प्रश्न ये है कि आपको लॉकडाउन भी करना है और आपको नहीं भी करना है। इससे अच्छा लॉकडाउन ना करते तो ज़्यादा अच्छा था, या लॉकडाउन करते तो पूरा करते तो वो ज़्यादा अच्छा था। प्रश्न मेरा बार बार है कि सरकार आंकड़े के साथ ना खेले ना, हम मीडिया भी आंकड़ों को दिखाए। भोपाल में कल 40 कोरोना की डेथ बताई गई और 80 से ज्यादा कोरोना प्रोटोकॉल में लाशें जलाई गई। किसको माने, शमशान का रजिस्टर ठीक मानू या गवर्नमेंट का प्रेस रिलीज ठीक मानू? प्रश्न वो है। प्रश्न ये है, जन जागृति करना बहुत जरूरी है, लोगों को जागृत करना जरूरी है। आज कोरोना से लड़ते लड़ते ये सवाल पूछ लो जरा, क्योंकि वक्त बेहद कम है। आरपी सिंह साहब, क्या आंकड़े छिपाकर अब मुश्किल को छोटा दिखाया जाएगा? बिल्कुल नहीं, मैं तो चाहता हूँ सबके सब आंकड़े सामने आने चाहिए। और जो बात कह रहे हैं वानखेड़े साहब की, हमको लोगों को जागृत करना पड़ेगा, इसके अलावा सोल्यूशन नहीं। और इसके कोरोना साथ रहना पड़ेगा और उसका जीना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। मास्क के बिना कोई रास्ता नहीं, ट्रेसिंग टेस्टिंग ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। आप वैक्सीन लगाते रहिए, वैक्सीन चलेगा, वैक्सीन की कमी नहीं, परंतु उसके अलावा जो मैंने कहा उसी पे जोर देना पड़ेगा, अन्यथा कोई रास्ता नहीं है। आरपी सिंह साहब, यही कहा जा रहा है ना कि तो हम तो साल भर पहले से ये सुन रहे हैं, नेताओं से हमने भी सुना है, दोहराया भी है इसको, लेकिन ये वो बन गया है, शिकारी आता जाल फैलाता, जाल में नहीं फंसना चाहिए। देखिए, इसमें शिकारी और जाल में फंसने वाली बात नहीं है, लोगों में जागृति की जरूरत है। और स्टेट गवर्नमेंट जहां इतना लाखों करोड़ रुपए विज्ञापन पे खर्च रही है, वो जरा कृपा कर अपने सिस्टम को यूज करें और लोगों को घर घर जाकर प्रेरित करें। और जो लोग वैक्सीन लगा रहे उनको फोर्स कर करना पड़े, उनको जबरदस्ती करना पड़े, जाना चाहिए। हो क्या रहा है वो बड़ी बात है। रागिनी जी, देखिए, मैं फिर से वही बात मुझे दोहरानी ही पड़ेगी। राज्य सरकार इसीलिए निर्णय लेने के लिए ज्यादा सक्षम है क्योंकि हर राज्य की परिस्थिति एक जैसी नहीं है। पिछले साल जब लॉकडाउन लगा तो सप्लाई चेन इसलिए टूटी थी क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज सुलभ हो सके लोगों को, ये केंद्र सरकार सुनिश्चित नहीं कर पाई। केंद्र सरकार के अंतर्गत नेशनल हाईवेज आते हैं, केंद्र सरकार ट्रेन चलाती है, मालगाड़ी जो सामान पहुंचाती है। अगर केंद्र सरकार ये व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चला पाएगी तो लॉकडाउन फिर फेल होगा। इसीलिए आपने जो मुख्य सवाल पूछा है उस पर बात करना बहुत जरूरी है। और मैं एक बात और जल्दी से जोड़ूं, टेस्टिंग लगातार कम हो रही है। पिछले साल भी एक्सपोर्ट आरटीपीसीआर की किट की गई थी, इस बार एक्सपोर्ट वैक्सीन्स को किया गया है। ट्रैकिंग का ये हाल है कि आरोग्य सेतु ऐप ठप है और ट्रीटमेंट ये है कि अस्पताल नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, रेमडेसिविर नहीं है, किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे आप, प्लाज्मा नहीं है। तो ये तीनों, ये आप अनुप्रास अहंकार और शब्दों का खेल बंद करें। नाकामी का परिचायक है कि लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है या लॉकडाउन ही समझदारी? लॉकडाउन केंद्र सरकार की और मोदी जी की हठधर्मिता, अधिनायकवादी राजनीति और अहंकार के कारण फेल हुआ। अगर सभी स्टेक होल्डर्स को बुला के ढंग से बातचीत करके निर्णय लिया जाएगा तो ये फर्क है। अशोक वानखेड़े जी, प्रतिशत है और स्टेक होल्डर से बातचीत करके अनुमान है वो ज्यादा होगा। एक मिनट कुछ बोलूं? हाँ, आप ही से। हेलो, हाँ, अशोक वानखेड़े जी, सब सुन रहे हैं, बोलिए बोलिए जल्दी से, टाइम बहुत कम बचा है। हाँ, सवाल ये है कि लोगों का राज्य सरकार और केंद्र सरकार पे विश्वास उड़ चुका है। महाराष्ट्र ने इतने पैकेज घोषित करने के बाद भी मुंबई के रेलवे स्टेशन पे इतनी अफरा तफरी मची हुई है, सारा वर्कर जो है वो वापस यूपी बिहार छत्तीसगढ़ जा रहा है, गुजरात से भी ट्रेनें भर भर के आ रही है। इसका मतलब आपके पैकेजेस पे लोगों का विश्वास नहीं है। आप राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, लोगों में विश्वास पैदा ही नहीं कर पा रही है क्योंकि इतने सालों ये भरोसे का संकट है, हवाबाजी से सिवाय बातचीत से। अशोक वानखेड़े, आपको रोकूंगा, बहुत धन्यवाद करूंगा अपने मेहमानों का। क्यों है ये भरोसे का संकट तब भी जब हमको एक होकर लड़ना चाहिए इस वायरस के खिलाफ? ये एक होकर इंसानों के खिलाफ आया है और देखिए क्या हालत कर दी है इसने। हम एक हो पाएंगे क्या? लॉकडाउन लगे तो आलोचना, नहीं लगे तो आलोचना, क्या हमारे सिस्टम को यह तय करने देगी जनता भी कि उसे क्या करना चाहिए? और आज के सवाल के जवाब में आपका जो
अधिकांश लोगों का मत है वो ये है कि क्या कोरोना कंट्रोल के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लगना चाहिए। देखिए कुआं खाई की स्थिति होने के बावजूद सब लोग इस पक्ष में हैं, ज्यादातर 77% कि हाँ लगना चाहिए, और नहीं कहने वाले 21% है और पता नहीं कहने वाले 2% है। देश जो भयावहता झेल रहा है उसमें लगता है उसे कि लॉकडाउन लगना ही उपाय है, क्योंकि अस्पतालों से राहत नहीं मिल रही है। क्या सड़कों पर मरेंगे लोग? यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।